रंगपुरी इलाके में बदहाल पड़ी हैं सड़कें। काफ़ी समय से ये सड़कें इसी तरीके से टूटी पड़ी हैं, जिसके ऊपर से लोगों को इसी तरीके से गुजर कर जाना पड़ता है। इलाके के लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों को करी भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इनकी बातों पर किसी प्रकार का कोई भी अमल नहीं किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के रंगपुरी इलाके की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सड़क है वो टूटी पड़ी है। जगह जगह पर मिट्टी है वो इन सड़कों पर देखने को मिल रही है। कुछ जगह पर तो यहाँ पर पानी भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं पानियों और इसी टूटी सड़कों से लोग यहाँ से गुजरते हैं। बरसात में तो आलम यह होता है कि यहाँ पर कई जगह पर जल भराव की समस्या भी हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी फैलता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली के रंगपुरी इलाके की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो टूटी हुई पड़ी हैं, और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने इसके बारे में स्थानीय नेताओं से भी इसके बारे में कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बातों पर किसी प्रकार का भी कोई भी अमल नहीं किया गया। और इस तरीके से इस जो सड़क है वो ऐसे ही कई दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है। अब लोगों को इंतजार है कि आखिरकार प्रशासन इनकी समस्याओं को सुनेगा और जल्द ही इन सड़कों का मरम्मत का कार्य जो है वो होगा और उनको यहाँ इस टूटी हुई सड़क से निजात मिलेगी। लेकिन बहरहाल अभी तक देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो सड़क है वो है, और अभी तक इस पर क्या ध्यान देने वाला कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आया। बता दीजिए नाम नरेश प्रजापति। नरेश जी, क्या दिक्कत हो रही है इलाके में, जो सड़क टूटी है कब से टूटा है सर? तो कोई सुनवाई नहीं हो रही इस पे। MLA के यहाँ भी जाते हैं तो MLA कह देता है जी अभी बजट नहीं आया, अभी वहाँ हो रहा है, क्या करेंगे। तो पूरे इलाके में ऐसे हालत बने हुए क्या? हाँ जी, हमारे यहाँ इस निरंतरी जोन में बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे बारिश के टाइम में इतना पानी भर जाता है कि निकलना भारी हो जाता है। तो अभी तक सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं करी गई, कोई सुविधा नहीं है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे? और सीवर रुक जाते हैं तो सीवर के लिए काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर कहता है जी हमारे पास तो आदमी नहीं है, और हमने प्राइवेट सीवरों को साफ करवाना पड़ता है, और सारा काम ऐसे करते हैं जी कोई सुनवाई नहीं, ना MLA करता है ना काउंसलर करता है। तो क्या इन समस्या का हल गांव वाले खुद ढूंढ लेते हैं? क्या करें जी, गाँव वाले क्या करें जी, कर लेते हैं, गरीब आदमी मारा जाता है जी, हम हजारों मजदूर आदमी हैं जो वो कैसे करवाएगा। मेरा नाम संजय प्रजापति जी। यहाँ पे रोड टूटी है, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे बहुत ही परेशानियाँ हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं है रोड की। यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले परेशान होते बेचारे, फिसल फिसल पड़ जाते हैं, बरसात में पानी भर जाता है, यहाँ पे वाहन भी किया जाते हैं रास्ते में, यहाँ भी प्रॉब्लम है, सब पानी करना पड़ता है, इतना पानी भर जाता है। कब से दिक्कत है, कब से रोड टूटी हुई है? करीब ये हो गए 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं है, इतने कौशल बने MLA बने, किसी ने कोई सुनवाई। क्या यहाँ कभी हादसा भी स्थिति बनी रहती है, हादसा हो जाता है? हादसा भी हुआ है जी, यहाँ पे ढक्कन खुले रहते हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं पड़ जाते हैं, चोट लगती है उनको। बाकी इस इलाके में और कहीं जगह ऐसा हाल है क्या है? यही हमारे यहाँ पीछे शमशान घाट के लिए जाने के लिए रास्ता है, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ भी ऐसे ही है, अगर जाते हैं किसी मुर्दे को लेके तो डर रहता कभी वो। तो